हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाम 7 बजे पेजमेकर का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों के क्लास में हम लोगों ने रसीद डिजाइन करना सीखा और आज जो इस लाइव सेशन में क्लास होगा ये पेजमेकर का ट्यूटोरियल होगा और इसमें एडमिशन फॉर्म हम लोग बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी DTP एप्लीकेशन में अगर आप किसी भी डिजाइन को बनाना सीखते हैं तो अगर आप टूल्स और मेनू के बारे में आपको पता अगर चल जाए या इसका जानकारी अगर हो जाए तो आप किसी भी डिजाइन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज एडमिशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। एडमिशन फॉर्म ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत होगा और टिप्स होगा कि कैसे हम इन टूल्स की मदद से एक अच्छा सा एक एडमिशन फॉर्म हम डिजाइन कर सकते हैं। और इस टाइप का कहीं भी किसी भी टाइप का फॉर्म हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यह एडमिशन फॉर्म ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजाइन जो करेंगे वो आप देखिएगा कैसे कैसे करते हैं। डिजाइन में यही है कि आपको देखना होता है और देखने के बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा खासा आप सीख जाएंगे और जहां पर जरूरत होगा हम जूम करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिये सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज मेकर में पेज लाना होता है। शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं, हर क्लास में बताते आ रहे हैं कि जब भी पेज मेकर आप ओपन कीजिएगा आपके सामने टूल्स मिलेगा, कलर मिलेगा, मेनू बार मिलेगा, लेकिन पेज नहीं होता। पेज लाने के लिए आपको डिजाइन पेज लाने के लिए या तो आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर सकते हैं या फाइल मेनू में हम यहां से न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइल मेनू में न्यू पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा डॉक्यूमेंट सेटअप का और इस डॉक्यूमेंट सेटअप में थोड़ा सा जूम करते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डिफॉल्ट एमएस वर्ड वगैरह में क्या होता है कि जब आप पेज लाते हैं तो नॉर्मल पेज आता है बिना कोई सेटअप का, डिफॉल्ट जो उसका सेटिंग किया रहता है वैसा। लेकिन पेज मेकर में जब भी आप कोई पेज लाएंगे तो इसमें पहले आपको डॉक्यूमेंट सेटअप करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका पेज आएगा। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में सबसे पहला है पेज का साइज क्या होना चाहिए। तो अभी हमें ये जो एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना है वो A4 साइज पर होना चाहिए, तो हम यहां से A4 कर लिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने अनुसार कोई पेज का साइज देना चाह रहे हैं तो आप वहां पर कस्टम चूज करेंगे जो सबसे नीचे में होगा कस्टम। और ध्यान रखिएगा जब अगर आप कस्टम चूज करेंगे तो यहां पर डायमेंशन आपको खुद देना होगा, लंबाई और चौड़ाई, और वो भी इंचेज में। टॉल एंड वाइड है तो हमें टॉल ही रहने देना है। और नंबर ऑफ पेजेस, यहां से एक पेज लाते हैं और भी लाना चाहे तो आप पेज ला सकते हैं। और इनसाइड आउटसाइड टॉप और बॉटम पेज के चारों साइड मार्जिन कितना देना है वो देखना होता है। तो हम मार्जिन जो है चारों साइड हम थोड़ा सा कम करते हैं, 0.5 रखते हैं मार्जिन। ठीक है, आप चाहे यहां पर बदलाव भी कर सकते हैं, हम चारों साइड 0.5 हम मार्जिन रखते हैं ताकि चारों साइड एक बराबर मार्जिन आए। और जैसे हम ओके करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। देखिए अब जो यहां पर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पेज, इसमें चारों साइड जो मार्जिन है वो इक्वल है और अब हम डिजाइन जो है हम इसी पेज पर करेंगे। हाँ के गौतम जी कहां थे आप भाई, अब्सेंट थे है ना, गौतम कुमार अब्सेंट है, सुजन कुमार मंडल आप ऑफलाइन भी अब्सेंट है भाई और ऑनलाइन भी अब्सेंट है। और ए आर भारती सर दिन से क्लास नहीं चली, नहीं ए आर भारती दिन में तो क्लास चल रही है भाई। ए आर भारती का कहना है कि हम वेट करते, दिन में क्लास चल रहा, आज का भी साथ दोपहर में क्लास हुआ है, कल भी दोपहर में क्लास हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर में पेज मेकर नहीं मिल रहा है, कैसे खोजे? पेज मेकर कंप्यूटर में होता नहीं है, ये इंस्टॉल करना होता है। डीटीपी का तीनों एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, पेज मेकर, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, तभी आप वर्क कर सकेंगे। अगर आपके पास पेज मेकर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ क्लास चल रहा है जी, ए आर भारती क्लास चल रहा है, आप अब्सेंट होंगे भाई, आप अब्सेंट होंगे, क्लास चल रहा है। चलिए अभी हम डिजाइन करते हैं। बात अगर करेंगे भाई तो डिजाइन कैसे होगा, है ना, डिजाइन करना है तो डिजाइन करने के लिए सर अब हम यहां से पेज हम ला चुके हैं और इसी पेज पर हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। और सबसे पहले समझिए कि जब ये पेज हम लाए हैं तो ये वाला जो साइड में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन एक्चुअल में आपको आपके मार्जिन को दर्शाता है, पेज के मार्जिन को दर्शा रहा है। तो यहां से
ये पेज है और यहां से लेके यहां तक बीच का जो ये खाली जगह वो मार्जिन है। मतलब ये दर्शा रहा है कि जो भी काम करना है इस बॉक्स के अंदर करना है। और अगर हम चाह रहे हैं कि फॉर्म एडमिशन फॉर्म में वो बॉक्स की तरह हो तो एक बॉक्स हमें क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहां से एक रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे और हम यहां से ऐसा करके माउस का बटन दबा के हम खींच देंगे, है ना। ऐसे ड्रॉ करने के लिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं। और इसको थोड़ा सा हम यहां से ऊपर करते हैं और यहां इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड करते हैं। देखिए अब पेज के क्या हुआ कि अब पेज के चारों साइड बॉर्डर आ गया। अब देखिए ये जो सामने अब आपका जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा जूम करते हैं, अब आपको लगेगा कि यहां पर दो दो बॉक्स है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे ये तो पेज का साइड वाला है, लेकिन पेज के साइड में आपका ये वाला जो लाइन दी है ना, यही लाइन आपका साइड साइड शो करेगा, ठीक है। ये पेज इधर वाइट खाली रह जाएगा और ये वाला लाइन शो करेगा, और ब्लू लाइन तो सिर्फ वर्क करने के लिए दिखाता है कि ये मार्जिन है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होता है। एक और हेडिंग बनाकर बताया गया। अरे भाई ये सब इन सभी का जो है ना, इन सभी का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, जितने भी टूल्स है ना इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहां से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है ना कि यहां पर एक फोटो का जगह चाहिए, तो हम यहां से क्या करते हैं इसी टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस जगह पर हम यहां से ड्रॉ करते हैं। और थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा जूम करके काम करना चाहिए, तो थोड़ा सा हम यहां जूम करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं जूम करते हैं। जूम जो कर रहा है ना तो पेज का साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा पेज का साइज जो बड़ा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि हमें ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना इसी लाइन के अंदर वर्क करना है, इसके बाहर नहीं करना। अगर बाहर करेंगे वो मार्जिन एरिया में होगा। तो सबसे पहले हम यहां से एक फोटो का जगह लाते हैं। यहां पर क्या है, एक फोटो का जगह है, जो भी कैंडिडेट होगा जो भी एडमिशन लेगा इस जगह पर फोटो का जगह होगा। ठीक है, और एरो की मदद से आप चाहें तो चारों दिशा में आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से ये तो फोटो का जगह हुआ, और एक हमें क्या करना है, लोगो लाना है, ठीक है। लोगो लाने के लिए हम यहां से, मेरे कंप्यूटर में सेव है, अगर आपके कंप्यूटर में भी सेव होगा तो आप ला सकते हैं। कोई भी फोटो लाना है और फाइल मेनू में आप यहां से इंपोर्ट सॉरी प्लेस पर जाना होगा। कोई भी फोटो लाना है तो फाइल मेनू में प्लेस पर जाइए और यहां पर आपको वो फोटो मिल जाएगा। मेरे कंप्यूटर में वहां उस जगह पर रखा हुआ, आपके अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा जहां होगा, सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन, और इसके बाद यहां से क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा, ठीक है। इस जगह पर क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा। ये आपका एक लोगो आ गया, इसी ऐसा ही है, मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम भी किया हुआ है और थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यही है आपका, है ना, ठीक। और अब क्या करना है कि यहां से एक यहां पर नाम हम लिखेंगे। तब सर ये सब याद रहेगा, पेज मेकर का क्लास नहीं सर, क्या लिखे हैं, चलिए कोई ना, है ना, कमेंट पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं दोस्त, कमेंट पर ध्यान देंगे तो फिर कैसे होगा, अभी तो डिजाइन ही करने, भी बहुत सारा डिजाइन है, ठीक है। तो यहां से ये एक बॉक्स फोटो, एक बॉक्स फोटो का जगह दे दिए, यहां पर एक लोगो ला लिए, और यहां से क्या करते हैं फिर से एक बॉक्स बनाते हैं और इस जगह पे हेडिंग रहेगा आपका एडमिशन फॉर्म, ठीक है। इस जगह पे हेडिंग क्या रहेगा, एडमिशन फॉर्म। यहां से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर कलर फिल करना है, तो हम यहां से बीच वाले पे क्लिक करेंगे। बताए थे कि पहला वाला जो टूल है वो आपका बॉर्डर के लिए, लाइन कलर के लिए, बीच वाला आपका फिल के लिए, और तीसरा वाला जो है ना फिल एंड लाइन, ये दोनों के लिए है। तो हमें इसके अंदर कलर करना है, तो यहां से ब्लैक कलर करना है, तो ब्लैक पर क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर होगा। और इसका इसमें जो इसका कॉर्नर जो है इसको गोल करना है, तो इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहां से एलिमेंट मेनू में जाइए,
राउंडेड कॉर्नर पर जाएंगे और यहां से कॉर्नर का जो दूसरा नंबर ऑप्शन है ना, इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो थोड़ा सा कॉर्नर क्या हो जाएगा, इसका गोल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा और ये पतला करते हैं। और अब कुछ लिखना है तो लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से टी के जरिए हम यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां से लिखते हैं एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होगा तो क्या करना है कि यहां से 12 के बजाय यहां से 16 करते हैं, और थोड़ा बड़ा होगा 16 के बजाय यहां से 18 करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, यहां पर हम इसको लेकर जाएंगे, तो इसको लेकर जाएंगे तो पता है आपको कि ये वाला जो बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और ये टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो ब्लैक जब ब्लैक के ऊपर जाएगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम क्या कर देते हैं, यहां से व्हाइट कर देते हैं। और अब ये भले अभी जहां है वहां दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम उसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपका यहां से दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको और हम यहां से पतला करते हैं, ये है आपका एडमिशन फॉर्म। और ये अभी बॉक्स खाली, यहां पर अब ये नाम होगा, ठीक है, यहां पर चले लिख ही देते हैं, थोड़ा सा खाली जगह रहेगा तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां से क्या करते हैं नाम लिखते हैं, क्या नाम है, जो भी नाम होगा, निम्बस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि आप लोगों को पता है, ओह ठीक है। और इसको कंट्रोल के साथ, और ऐसे भी बड़ा करना होगा ना, किसी भी टेक्स्ट का साइज अगर बड़ा करना होगा तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन अगर प्रेस करते हैं तो साइज क्या होता है आपका, यहां से बड़ा होता है, ठीक है। साइज क्या होगा, यहां से बड़ा होगा इस तरह से। और भी अगर इसका कोई दूसरा फॉन्ट अगर लेना चाहें तो दूसरा फॉन्ट भी होगा, बहुत सारा फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट आप यहां से ले भी सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसे पेज मेकर में मेरे पास ज्यादा कुछ ऐसा फॉन्ट है नहीं तो तत्काल हम इसी को रहने दे रहे हैं, ठीक है। बस अब ध्यान रखिएगा कि जो भी जहां का भी बनेगा वहां का क्या कर देना है, आपको नाम देना है। नाम देने के बाद जो भी यहां पर होगा वो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा वो लिखिएगा, है ना। अभी एक और भी है एन आईएसओ, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा साइज बड़ा करते, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए, कंट्रोल से ग्रेटर देन प्रेस कीजिएगा तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी है, थोड़ा सा यहां पे लिख ही देते हैं थोड़ा सा, है ना। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा से पता नहीं चलेगा और देख भी नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हैं गौतम जी, कल क्लास चली थी, कल क्लास हुई थी ना एआर भारती, टोटल कितने पेज में, आज तीसरा क्लास है पेज एआर भारती है, तीसरा क्लास है। हाँ, लेस देन से छोटा होता है और ग्रेटर देन से बड़ा होता है, लेस देन से छोटा होता है और ग्रेटर देन से क्या होता है, बड़ा होता है। रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर, एक साथ होगा, ठीक है, ऑनरशिप अंडर इसका साइज थोड़ा सा क्या करना है, आपको छोटा करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इससे क्या होगा कि एक बार यहां से सेम वही साइज वही टेक्स्ट उसी तरह का कुछ और यहां से लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर
6068 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको यहां से क्या कर देते हैं, यहां से बीच में, इसको यहां थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे क्या कर रहे हैं हम, बस सिर्फ देखते जाइए। डीटीपी में यही है ना कि जब बनता है ना तो सिर्फ आप देखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ये यहां से फोटो का जगह है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये एडमिशन फॉर्म भी थोड़ा सा बोल्ड है, ये भी क्या है थोड़ा सा बोल्ड है। और बोल्ड होने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा साइज ही बड़ा हो गया। चलिए समझ में आ रहा ना सब लोग को कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज क्या होता है, छोटा होता है। और धीरे धीरे ही बनेगा। अचानक अगर आप सोचेंगे बनाना सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे बनाने लगेगा तो आप सीख जाइएगा। चलिए ये हुआ। अब यहां से क्या करते हैं ना, इसके नीचे आपका क्या है, नेम इन कैपिटल लेटर्स यानी टेक्स्ट है आपका, यहां से ड्रॉ करते हैं और यहां से है नेम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, नेम इन कैपिटल लेटर्स है। और इसके सामने यहां से क्या है ना सर, शॉर्टकट की जो सेंड किए हैं सब लोगों को लगा दे, बगल में कौन सा टूल है, यहां से क्या करते हैं ना, अब इसके सामने ये एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब देखिए मेन खेल अभी यहीं से शुरू हो रहा है। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे अब हमें बॉक्स बनाना है तो फॉर्म में तो बहुत सारा बॉक्स है, अब हम यहां पर बॉक्स बनाएंगे तो समय लगेगा, तो क्या करेंगे ना, ये रेक्टेंगल टूल जो है ना इसको हम यहां से ऐसे सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल टूल ऐसे यहां से क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद एडिट मेन्यू में जाइए, कॉपी करना है, और या तो कंट्रोल के साथ आप सी प्रेस कर सकते हैं, और ऐसा बहुत बार लाना है तो आप यहां से फिर से क्या कीजिए, एडिट मेन्यू में जाना है और यहां से पेस्ट मल्टीपल पर जाइए, और इस तरह से जितना मानी 20 बॉक्स है तो 20 सेलेक्ट किए, और यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब अगर नीचे लाना है तो वर्टिकल का यूज करना है, और सीधा ले जाना है तो हॉरिजॉन्टल का यूज करना है। हमें नीचे नहीं लाना है तो हम इधर का मान 0 कर देते हैं, और इधर में क्या करते हैं 0.5 के बजाय 0.4 करते हैं, और यहां से ओके। तो क्या हुआ, गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक कीजिए, फिट इन विंडो, तभी ऐसा होगा तो भाग जाएगा, तो फिट इन विंडो कीजिएगा, क्या कीजिएगा, फिट इन विंडो कीजिएगा, ठीक है। कभी ऐसा भाग जाए तो क्या करना है, फिट इन विंडो। चलिए अब यहां से क्या हुआ कि ये एक बॉक्स हुआ, फिर से कंट्रोल के साथ सी, और यहां से एडिट मेन्यू में कंट्रोल के साथ, सॉरी एडिट मेन्यू में जाएंगे, पेस्ट मल्टीपल, 20 0.3 से नहीं हो रहा है तो 0.2 करके देखते हैं, ओके। थोड़ा सा गैप हो गया है ना, ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा गैप हो गया, फिर से इसको यहां से डिलीट करते हैं, फिर यहां से थोड़ा सा अगर बड़ा कर दे तो इस बार हो जाना चाहिए, एडिट में यहां से कॉपी, एडिट यहां से पेस्ट मल्टीपल, 20 ही रहने देते हैं, अब यहां से हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां से समझ में आ गया होगा, और भी अगर चाहिए तो यहां से
लास्ट वाले को लेते हैं, एडिट मेनू में कॉपी और एडिट मेनू में पेस्ट मल्टीपल, मान लीजिए तीन बॉक्स और चाहिए, तीन किए और यहां से ओके आ गया, ठीक है। और यहां से क्या करना ना, ऐसा समझ में आ गया होगा, अब ये जो बॉक्स आया ना ये एक बार में आ गया, अब उसी तरह क्या करना है कि यहां से उसके नीचे चेंज करना, तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल बी, एक यहां से डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहां से क्या होगा एक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ के लिए हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, डेट ऑफ बर्थ के अलावा यहां से एज के लिए होगा, ये जो है ना एडमिशन फॉर्म हम आपको उसमें दे देंगे, ठीक है, एडमिशन फॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसमें टेलीग्राम पर डाल देंगे, सब लोग जिसके पास भी घर में पेज मेकर होगा उसको डिजाइन कीजिएगा, जेंडर, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करना है, थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कैसे करते हैं वो समझिए, देखिए अभी यहां से क्या है ना कि डेट ऑफ बर्थ के लिए दो दो चार और चार आठ बॉक्स चाहिए, हम यहां से क्या करते हैं तीन दो पांच तीन आठ, ये बॉक्स को कॉपी करते हैं, एडिट मेनू में कॉपी और एडिट मेनू से ही यहां से पेस्ट नीचे आ जाएगा, और अगर एडिट मेनू से पेस्ट नहीं करना चाहे तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, इसके बाद यहां पर आपका जेंडर होगा, जेंडर के लिए कितना चाहिए, माया दो तीन दो चार छ, फिर से इसको यहां से क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और इसको लेते आइए, ठीक है। और यहां से थोड़ा सा सटा देना और एक और दो चाहिए, ऐसा करके यहां से क्या करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां से ये एज के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा ना, जितने भी लोग हम डिजाइन जो कर रहे हैं समझ में आना चाहिए, उम्मीद है समझ में आना चाहिए कि बहुत इजी तरीके से हम बना रहे हैं। इसके बाद अब आपका एक और कॉलम, ये लगता है ये कॉलम नीचे चला गया क्या, और इन सबको ना ग्रुप करते जाते हैं, क्या करते हैं ग्रुप कर देते हैं, यहां से एलिमेंट मेनू में जाइए ग्रुप, ग्रुप कर देने से फायदा क्या होगा कि अब हम अगर मूव करेंगे ना तो ये एक साथ मूव होगा, अगर हम ग्रुप कर देते हैं अगर मूव करेंगे तो क्या होगा एक साथ यहां से मूव होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अब आपको क्या करना है, यहां से कंट्रोल के साथ यहां से ये थोड़ा सा ऊपर होगा, यहां से कंट्रोल के साथ सी कंट्रोल के साथ भी, और ये कॉलम आपका बनेगा आधार नंबर का, कंट्रोल जी भी कर सकते हैं सर, क्या करेंगे कंट्रोल जी प्रेस करके, गौतम जी कंट्रोल जी प्रेस करके क्या करेंगे भाई, जरा सा हमें बताया जाए, आधार नंबर है ना, कंट्रोल जी के साथ प्रेस करके क्या करेंगे बताइए, कंट्रोल जी प्रेस करके क्या करेंगे, एक दो से तीन दो पांच तीन आठ दो दस दो बारह, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ग्रुप कर रहे हैं हाँ, कंट्रोल जी के साथ क्या करेंगे यहां से सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी क्या करते हैं यहां से कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं तो ग्रुप हो जाएगा,
चलिए ये वाला भी हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उम्मीद है आप लोग इस तरह से जब बनाएंगे ना तो आसानी से समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाएंगे। चलिए एक नीरज कुमार भी जुड़े हैं। अब हम यहां से क्या करें, ये तो एक हुआ ना, अब एड्रेस के लिए करना है। तो एड्रेस के लिए क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल बी। हम यहां से बार बार क्या कर रहे हैं ना कि हम कंट्रोल सी कंट्रोल बी करने से क्या फायदा होगा कि हमको लैंग्वेज और साइज चूज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज और साइज चूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है उसी मतलब साइज में उसी एड्रेस, सॉरी उसी एड्रेस पे बोल रहा है, उसी पोर्ट पर आपका टाइप होना शुरू हो जाएगा विद कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे सी कैपिटल कर दे रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और ये थोड़ा सा यहाँ बड़ा होगा, ये लाइन को खींच दीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो फिर आसानी से आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना यहाँ से परमानेंट विथ कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहां से क्या करते हैं, ये बॉक्स तो टोटल नहीं चाहिए, यहां से लेके यहां तक कंट्रोल सी कंट्रोल भी इसको नीचे लाते हैं। और इसको कंट्रोल के साथ जी प्रेस करके ग्रुप कर ले रहे हैं, ये वाला को भी ग्रुप कर दे रहे हैं, ये वाला भी ग्रुप था नहीं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब यहां से ऐसा वाला एड्रेस तो तीन लाइन में लिखना है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये ग्रुप तो है ही, कंट्रोल सी कंट्रोल भी एक और आ जाएगा नीचे, और एक बार फिर से हम यहां से कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे, एक और आ जाएगा। समझ में आया ना, जैसे एड्रेस के लिए क्या हुआ ना कि हम ऐसा तीन लाइन दे दिए, एड्रेस के लिए तीन लाइन दे दिए, तीन लाइन में जितना भी एड्रेस आपको फिल करना है आप बैठ कर फिल करते रहिए। और फिर इसी तरह थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके क्या करते हैं, हल्का सा ऊपर जाते हैं, और यहां से फिर से क्या करेंगे कि एड्रेस के लिए यहां से फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल भी एक और आएगा, और यहां पर हम लिख देते हैं इसका क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है आपका नेम, एक सेकंड, नेम नेम एंड सॉरी नेम एंड एड्रेस ऑफ पेरेंट या गार्जियन है, GARDIAN गार्जियन सॉरी गार्जियन। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा खींच के, ये थोड़ा लगता है बड़ा हो गया ना, इसका जगह थोड़ा सा ये करना होगा, इसके अनुसार थोड़ा सा मूव और राइट साइड करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा और क्या करेंगे, यहां से राइट साइड इसको थोड़ा सा इधर हल्का से यहां रखते हैं, गैप रख सकते हैं कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, और इसको भी थोड़ा सा इधर करते हैं, और ये तीनों बॉक्स को क्या करते हैं, ये बॉक्स ये और ये तीनों को राइट हैंड मूव करते हैं। शिफ्ट के साथ आपका, आप शिफ्ट के साथ अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, तीनों साथ मूव होगा, और ये बना एक बॉक्स सही फिट से। ठीक है ना, चलिए अब इन तीनों को क्या करते हैं, यहां से कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिए, और कंट्रोल के साथ सी और कंट्रोल के साथ भी, तो एक बार में क्या होगा, तीनों होगा, यानी कॉपी पेस्ट का ही यूज हो रहा है भाई, जानते हैं कॉपी पेस्ट का ही यूज हो रहा है, ज्यादा कुछ ऐसा हम कर नहीं रहे। आप लोग लाइक कीजिए प्लीज, कोई नहीं किए हैं मेरे अलावा। यार भारती सर, एड्रेस वाले सेल में मर्ज करना है तो मर्ज करिए। हाँ, मर्ज करना तो मर्ज करो, तो ये तो एडमिशन फॉर्म डिजाइन हो रहा है ना, जब इस तरह से जब बनता है तो जब ये प्रिंट होगा तो उसमें ना आप एक एक बॉक्स में लिखेंगे AR स्पेस भारती BHARTI, एक एक बॉक्स में अलग अलग लिखेंगे ना आप, इसमें तो ये तो हम डिजाइन कर रहे हैं। नीरज कुमार का कहना है कि नोट्स मिलेगा, इसका PDF हम उस पर डाल दिए हैं,
इसका पीडीएफ जो है ना नीरज कुमार, इसके टूल्स का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, और ये वाला जो एडमिशन फॉर्म है जो हम अभी डिजाइन कर रहे हैं ये वाला भी हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। तो अभी तो हम मान लीजिए ये पूरा अगर हम नहीं बनाते तो आप क्या कीजिएगा, पूरा तो बनाइएगा ना, तो पूरा बनाने के लिए फॉर्म के आगे क्या है वो कैसे पता चलेगा, तो अब आगे आगे हम इसको फॉर्म को डाल देंगे तो आप वहां से ये कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, इतना ही रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, बाकी इसका पीडीएफ हम आपको डाल देंगे, वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना सिस्टम पे डिजाइन कीजिएगा। देखिए अगर फोटो वगैरह यहाँ पर तो मेरे सिस्टम पर नहीं है, अगर फोटो वगैरह रहता तो फोटो हम ला सकते थे। एक सेकेंड, अगर किसी का फोटो है क्या? फोटो तो मेरा ही है, फोटो तो मेरा ही है भाई, अपना वाला ही ला देते हैं क्या, नहीं किसी और का लाते हैं, कोई पासपोर्ट साइज का फोटो हो तो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अभी फोटो लाए, किसी का फोटो है कोई स्टूडेंट का, जैसे यही फोटो है, सेलेक्ट कीजिए ओपन, यहां से देखिए आ गया ना, किसी ना किसी का तो फोटो रहता है। इस तरह से एडमिशन फॉर्म क्या होगा, यहां से चिपका दिया जाएगा, इसके अलावा इसमें फिल कर दिया जाएगा, है ना, तो ऐसे ऐसे करके रहता है। निम्बस पर के स्टार्ट ना, कल से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, निम्बस पर कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सर ये तीनों को कैसे सेलेक्ट कर कॉपी पेस्ट किए, एक देखिए ये तीनों को क्या किए ना, तीनों को करना, तीनों को एक बार क्या किए कि पहले पहला वाला पर क्लिक किए, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस किए और अब नीचे वाले पे क्लिक किए तो ये भी सेलेक्ट हो गया, फिर नीचे वाला क्लिक किए तो ये भी सेलेक्ट हो गया। मतलब अगर शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट दबाइए और माउस से जिस जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल के साथ सी यानी कॉपी कर ली और कंट्रोल के साथ जैसे हम भी प्रेस किए तो एक और आ गया, फिर एक बार पेस्ट करेंगे तो और आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, इसको क्या कर लेते हैं सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सेव पर जाएंगे और यहां से बॉक्स आएगा, बॉक्स में हम यहां पर क्या लिखते हैं, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, और इसको यहां से सेव कर देते हैं और अब यहां से क्या करते हैं क्लोज, ठीक है।